सो जब आपने देखी होगी तो हमारा टॉपिक फॉर दिस वीडियो विल बी पजेसिव नाउंस। अब क्या होता है, पजेसिव नाउंस क्या होता है, वो लोग ओनरशिप यूज करते हैं, जैसे माय हमारा है, मेरा है, तेरा है। इनके पास हमेशा एक क्या होता है, अपोस्ट्रोफी होता है। पजेसिव नाउन के पास हमेशा क्या होता है, अपने अपोस्ट्रोफी। ओके सो दे शो एन अपोस्ट्रोफी। ओके और इनकी ये लोग क्या दिखाते हैं, ओनरशिप। ओके जैसे ही कुछ है सिंगुलर नाउन जो पजेसिव होते हैं, इनके लास्ट में आप देख रहे होंगे अपोस्ट्रोफी आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। जैसे वुमन के ऊपर एस, वुमेन्स, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। ओके तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ प्लूरल पजेसिव है, सिंगुलर पजेसिव है, इनके हमेशा यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आता है। तो गाइज ये रूल्स पढ़ लो गाइज, अगर कॉमन नाउन है तो ऐड ऐसे, और अगर प्रॉपर नाउन है तो इसको हमेशा ऐसे ऐड करा करो। ओके गाइज अब यहाँ पर आ गया अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ पर आ गया गाइज पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स। तो जैसे क्या होता है, अगर तू जानती होगी फॉर्म ऑफ पजेसिव नाउन भी पता है आपको। ओके अभी एक्टिविटी है गाइज, तो ये आपको बताना है इनके आंसर्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज इनके आंसर्स, या तो उसका स्क्रीनशॉट खींच लो बाद में सॉल्व कर लेना। ये मुझे नोटबुक में इसके आंसर बताना चाहिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस क्विज। तो एज यू नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, मैंने आपको थोड़ा सिखाया भी थे कंसेप्ट्स, सो ये हम ऑलरेडी आई थिंक देख चुके हैं। ओके अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। जितने भी क्लास 3 स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। ओके सो क्लास 3 स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो विल बी बेनिफिटेड। ओके सो द एक्टिविटी है अभी फाइंड अ वर्ड ऑन द वर्ड ग्रिड। तो यहाँ पे गाइस एक वर्ड ग्रिड है, वर्ड सर्च, इसमें आपको इन सब वर्ड्स को लोकेट करना है। बहुत ईजी है, आप जो भी ग्रेड 3 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बहुत, इसमें बहुत इजी वर्ड सर्च है गाइज, आप कर लोगे घर पे अपना सॉल्व, तो प्लीज़ कर लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे एलिस इन वंडरलैंड। ओके तो ये इनके ऑथर है लुईस कैरोल, तो प्लीज़ गाइज ये रीड कर लो, आप गाइज ये खुद ही पढ़ लेना। तो ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स है, पिक्चरलेस, इंग्रोस्ड, पॉकेट वॉच, बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। प्लीज़ गाइज इसका स्क्रीनशॉट लेना, या तो हम अभी ये सब रीड नहीं करेंगे। ओके अब हम क्या करेंगे, टेंसेस रिवाइज करते हैं। ओके ओके 3 टेंस होती है, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। अभी क्या होता है, प्रेजेंट होता है जो अभी हो रहा है, पास्ट होता है जो हो चुका है, फ्यूचर होता है जो होने वाला है। ओके सो जैसे ये टेंस के कुछ फॉर्म्स हैं, तो ये देख रहे हैं आपको प्रेजेंट टेंस के बीच में है, तो 3 होते हैं, एक सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ओके तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है जान लो, इसमें क्या होता है बताता है, प्रेजेंट अभी चल रहा है, गोइंग, जिसमें एंड में याद रखना हमेशा इसमें एंड में इंग लगता है, ऐसा नहीं कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंग ना लगे। पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमेशा इंग लगता है, आई वॉज वॉकिंग, आई वॉज इसे। ओके तो ये क्वेश्चन आंसर्स को बाद में ही करेंगे। सो पीपीटी इज इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ने से भी बहुत अच्छा लगता है। ओके अभी गाइस हम ये पढ़ेंगे रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ओके तो अब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो अभी नेचर में रीन्यू हो सकते हैं। ओके इट्स आर टू बी रीन्यूड इन नेचर। आर टू बी रीन्यूड, रिप्लेनिश हो सकते हैं, ये है जो ये अगर वो कभी एग्जॉस्ट हो गए तो वो कभी भी रिप्लेनिश नहीं हो सकते। ओके अब नेक्स्ट है ऑब्जर्व दिस पाई चार्ट, इसमें आपको बताओ क्या दिख रहा है, इसका दिख रहा है आपको एनर्जी फॉर्म्स, है ना। तो ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ओके
तो अभी हम जानेंगे, ये दिख रहा होगा आपको एक मैप जिसमें है आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, जियोथर्मल। इसमें आ रहा है आपका नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल में क्या आ गया आपका? कोल आ गया, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो अब ये है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोल 2200 तक चला जाएगा, पेट्रोलियम 2040 तक। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ लिमिटेड अमाउंट है कोल गैस और ऑयल यूज़ करने के लिए। इसके लिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी का यूज़ करेंगे। जैसे इसके क्या है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वेव वाटर, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट आगे फाइनली था यहाँ पे। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग, ये कौन सा पीपीटी है मुझे भी नहीं पता, ये हम लोग आई थिंक देख चुके हैं, ग्रैटिट्यूड वाला गाइस, तो बताया भी है मैंने। ओके, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। सारा हो गया इसमें, क्या बोले। तो गाइस ओके, हमने ये नहीं किया आई थिंक माइग्रेशन, ये अभी हुआ भी नहीं है हमें। क्लास 12 ओके, ये देखते हैं गाइस, चैप्टर 12। तो अभी हम जानेंगे फ्यूचर स्केल सस्टेनेबिलिटी इंग्लिश। अभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे द फ्रॉग हु वांटेड टू बी एज बिग एज एन ऑक्स। अ फ्रॉग सॉ एन ऑक्स इन हिज आईज अ ह्यूज एंड हैंडसम फिगर, ही हु वाज नो बिगर देन एन एग फ्रॉम टॉप टू टो, एन एनवी स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेन्ड इन एफर्ट टू ब्लो हिमसेल्फ अप टू द सेम साइज। Just watch me closely, sis. Tell me, am I large enough? Have I got there yet? No, said the ox. More huff and puff. Well, look at me now. Another no. More huff and puff. Then what about this? You still have a long way to go. More huff and puff. Boom. And so puffed with air, exploded the poor little frog who wanted to be as big as the ox. So, इस story के author का नाम है Jean Della Fontaine. Okay, अभी हम पढ़ेंगे types of writing. तो एक होता है नरेशन, पर्सुएशन, एक्सपोजिशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो बता, फाइनल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अर्नव इज प्रॉपर नाउन, लाइन इज कॉमन नाउन, एनिमल इज अ कॉमन नाउन, एंड्स आर कॉमन नाउन, इंक इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन यू कैन से, बुक इज कॉमन नाउन, डेस्क इज कॉमन नाउन, सन इज प्रॉपर नाउन, स्काई इज कॉमन नाउन, अर्थ इज प्रॉपर नाउन, सन इज कॉमन नाउन, पैरट इज कॉमन नाउन, ब्रेड इज कॉमन नाउन एंड फ्लोर इज कॉमन नाउन। फ्लोर इसके अभी भी बोल सकते हो, फ्लोर एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि हम आटे को काउंट कौन करता है, कोई भी नहीं करता ना गाइस, इसलिए। तो ये कर चुके हैं हम लोग, नहीं किया ना हमने ये। ओके, अभी करेंगे। ओके, तो ये ग्रेड 3 स्टूडेंट्स देख लो गाइस। ओके, सो अभी ये चैप्टर 9 पढ़ेंगे हम लोग। Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure, sure, sure. I listened, I opened, I looked to the left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tap tapping on the wall. Only from the forest a screech owl's call. Only the crickets whistling while the dew drops fall. While the dew drops fall, so I know who came knocking at all, at all, at all. लिखी है वॉल्टर डेला मेयर ने। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेज है जैसे सिमिलीज, एलिट्रेशन, मेटाफोर्स। ओके, सो एलिट्रेशन क्या होता है? जैसे रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट साउंड और साउंड्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे आप बोल सकते हो सैली, एस एस एस, तो तीनों में क्या हो रहा है आपका, एस आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है इसमें, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, एलिट्रेशन। ये क्या होता है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है गाइस, अब देखते डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये क्या होता है, सुन लो गाइस, पॉजिटिव डिग्री होता है, एडजेक्टिव डिनोट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ क्वालिटी, द टॉल।
देयर इज कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, कंपेयर, इसमें दो लोग चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो. टॉलर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इट डिनोट्स अ सिंगल फ्रॉम द वन, ओनली वन आउट ऑफ एवरीथिंग. ये होता है आपका सुपरलेटिव कंपेरेटिव पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है आपका राइम स्कीम. जैसे ये एक एग्जांपल थी, हमने पोएम पढ़ी होगी टॉपसी टर्वी लैंड, उसकी यहाँ पर आपको राइम स्कीम दिखाई दे रही है. ओके, सो ऑलवेज अ वे आउट. ओके, चैप्टर 10 अभी हम पढ़ेंगे. एम्परर अकबर वॉज अ कीन एडमायर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ मेनी स्कॉलर्स एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट. I most learned men in court will know Navratnas or nine jewels. Okay, तो ये story अभी हम नहीं पढ़ रहे. English की quiz, thank you. तो ये भी guys ख़त्म हो गई. इतनी जल्दी जल्दी हमारी PPTs वगैरह सारे ख़त्म क्यों हो रहे हैं? I don't understand. So, ये नहीं है गाइस, इसमें हमारा कुछ नहीं है. ये कर चुके हैं हम लोग गाइस. एक मिनट, इसमें से हमने बहुत सारे नहीं करे. ओके, तो हम लोग ये फोर्स नहीं किया है हमने. चलो गाइस एक वीडियो देख लेते हैं. तो इसमें ये एक वीडियो भी लिंक्स है इसके अंदर. फोर्स के रिलेटेड फाइनली गाइस खुल गया. तो ये कर चुके हम लोग लाइफ स्किल्स. हाँ, ये कर चुके हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमने किया ये. तो आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ये भी कर चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले. ओके, चलो ये करते हैं इंटरेस्टिंग लेवल. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग इन द पिक्चर. क्या हो रहा है प्रॉब्लम्स इसके अंदर, आप मुझे कमेंट से बताना. इसके अंदर बोल रहा है आई वांट टू हिट दैट फेस, नो आई वांट टू टेल योर पेरेंट्स, आर दे सेइंग समथिंग अबाउट मी, अदर बैटिंग आउट, नो लेट्स वेट. तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है पिक्चर के अंदर और इनको इनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. तो अगर इस केस में अगर किसी लोगों को प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं, या तो उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. सो ओके गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग पीपीटी है आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. तो जानेंगे हमें माइग्रेशन क्या होता है. तो हमने न्यूज़पेपर में और या तो हमने न्यूज़ पढ़ी है कि बर्ड्स रशिया से साइबेरिया में माइग्रेट हो चुके हैं. तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन, मतलब मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन द लार्ज जर्नी, द लार्ज नंबर इज कॉल्ड अ माइग्रेशन. तो ये सब वीडियो लिंक्स है, ये अभी हमने वीडियोस बाद में देख लो. अभी तो घर पे ही कोई लिंक्स है ना, ये कभी इनका कोई स्क्रीनशॉट निकाल लो गाइस, इनको कॉपी कर लो कहीं. ओके, और फिर इनको आप घर पे कभी भी देख सकते हो. दिस विल बी माई सजेशन. एनिमल्स क्या होते हैं, दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे मैनेटी है, रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड, ये भी विंटर में कंथ के अंदर माइग्रेट करते हैं. ओके, माइग्रेशन के एनिमल्स बहुत सारे थ्रेट्स करते हैं, जैसे हंग्री प्रेडेटर्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओशन करंट्स, हंटर्स एंड फिशरमैन. ओके, से ही फैक्ट टाइम.
The Great Migration is the largest overland migration in the world. Animals travel a total of 800 km or more during each cycle. माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, तो ये क्या होता है, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करती है, ये सब इसके अंदर आप लिख सकते हो कैसे सारे बर्ड्स माइग्रेट कर रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज, तो ये क्या करते हैं, ये दिस स्पेंड द विंटर ऑन स्पेसिफिक ट्रीज इन दिस प्लेसेस व्हाइल रिटर्निंग नॉर्थ इन स्प्रिंग। द एडल्ट्स ब्रीड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मिल्कवीड प्लांट्स। द एडल्ट्स डाई आफ्टर द फीमेल्स ले एग्स, द एग्स डेवलप इनटू यंग बटरफ्लाइज दैट कंप्लीट द जर्नी बैक होम। Sometimes it might take these butterflies 4 to 5 generations to complete their journey to Canada. Siberian cranes migrate to India from Siberia, where they live to avoid freezing winters of Siberia. तो ये देखा है aquatic animals कैसे migrate करते हैं, salmon, trout कैसे migrate करते हैं, lobsters का migration, sharks, salmon, baleen whale. How animals find them? इसे आप यूज़ करते हो मैप्स, GPS, ये लोग सन साइंस का यूज़ करते हैं, सेंसेस और इंस्टिंक्ट्स का नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे इन तरीकों का यूज़ करते हैं प्लेसेस लोकेट करने के लिए, वैसे वो लोग उन तरीकों को यूज़ करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है। मटेरियल्स नीडेड है घर पे, प्लीज़ करना मुझे इसके पिक्चर्स ज़रूर भेजना गाइस मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे। स्केच पेन्स, प्रिंट आउट ऑफ अ मैप, सम सीड्स। आपको क्या करना है, मैप पे बर्ड का नाम लिखना है और इसका रूट, माइग्रेशन रूट ड्रॉ करना है रिप्रेजेंटिंग द सीड्स। ठीक है, सीड्स फूड है। ट्रेस द लोकेशन ऑल्सो वेयर द बर्ड माइग्रेट्स बाय पुटिंग स्ट्रॉ पीसेस सीड्स और ड्रॉइंग्स फ्रॉम स्केच पेन्स। ये प्लीज करना गाइस, अभी ह्यूमन माइग्रेशन है, ह्यूमंस क्यों और कैसे माइग्रेट करते हैं। तो रीज़न फॉर माइग्रेशन है, एक तो ह्यूमन माइग्रेशन का रीज़न है वॉर, वॉर की वजह से लोगों को माइग्रेट करना होता है ना। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल कैलामिटीज, बेटर हेल्थ केयर, सेफ्टी, एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, इसलिए एमिग्रेंट, इमिग्रेंट्स का कंसेप्ट जानते हैं। सोचो अगर आप इंडिया से अमेरिका को माइग्रेट कर रहे हो तो आप इंडिया को छोड़ के जाए तो इसको बोलते हैं एमिग्रेंट, और अगर आप किसी कंट्री के अंदर न्यू एंटर करो तो आप उस कंट्री के क्या हो, इमिग्रेंट हो। ओके, सो ये पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स आर द रीजन दैट मेक समवन डिसाइड टू मूव, और पुल फैक्टर्स भी होते हैं अट्रैक्ट पीपल टू अ न्यू प्लेस। थैंक यू। मतलब गाइस क्या होता है, पुल फैक्टर्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं और पुश फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बुरे होते हैं। तो इसमें प्लीज़ गाइस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में भी चैप्टर आएगा, ग्रेड 3 के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके, और उनको ये बहुत चैप्टर है, बहुत मतलब ये यूज़फुल लगेगा। तो प्लीज़ डियर गाइस प्ले पे अटेंशन इन माई दैट। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, ये हम लोग देख लिए, हमने मल्टीप्लिकेशन वाला आया था आई थिंक, हाँ ये हम लोग देख भी चुके हैं है ना, मुझे याद है हम लोग ने ये देखा हुआ है। ओके, सो वैसे भी वो कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कैसे करना है एक्सप्लेन किया गया, और आपको ऑलरेडी आता है मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जिनको नहीं 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 आता होगा मेरे प्रीवियस वीडियो से प्लीज़ ज्ञान ले लेना। अब नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स वाला, ये देखा है हमने, ये हमने नहीं देखा आई थिंक, तो चलो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ओके, तो ये कहा लाइफ स्किल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, स्टेप्स एंड सिचुएशंस ऑफ फ्रेंडशिप, आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ सम किड्स। सो पहले हम ब्रैंडन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाउ वुड यू टेल ब्रैंडन टू स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ रीसेस एंड फाइंडिंग मेकिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। तो ये ब्रैंडन है और वो सोच रहा है, ओह नो इट्स रीसेस टाइम, आई हेट रीसेस एंड नेवर नो व्हाट टू डू। तो अब इसको कैसे कंसोल करोगे बताओ गाइस। ओके, तो ये बोल रहा है, सोच रहा है, Everyone else is having fun but they don't seem to notice I am around, I guess I should just read my book. Brandon wishes he had someone to play with at recess but he doesn't know how he connects with others. His body language, looking away, guys aap khud padh lo, ye sab aap guys khud padh lo, abhi Ravan ka situation hai, ye bragging kar rahi hai, this is called bragging. Okay, matlab boasting karna hota hai. Next Angel and Vanessa, ye guys sun lo. हाउ कैन यू कन्विंस एंजेला टू नॉट बी एन ऑक्टोपस फ्रेंड, मतलब कोई अगर इसे बहुत ज़्यादा चिपकता है ना अगर कोई किसी से तो उसे बोलते हैं ऑक्टोपस फ्रेंड। ओके, सुशांत, हाउ वुड यू स्टॉप सुशांत फ्रॉम अज्यूमिंग,
दोनों लोग बातें कर रहे, सुजान बोल रहे क्विट टेलिंग सीक्रेट्स अबाउट मी, जबकि वो कर ही नहीं रहे, उसको नहीं पता ना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना। और ये उन्होंने बोला है वी वेरंट टॉकिंग अबाउट यू, उन लड़कियों बोल रहे हैं वी वेरंट टॉकिंग अबाउट यू, ये बोल रही है यस यू वे आई नो यू वे यू सो मीन पीपल हु गेट एंग्री लॉट अज्यूम दैट अदर पीपल आर डूइंग थिंग्स आउट ऑफ डेलिबरेट मीनलेस। सुजान डिडंट नो व्हाट अदर गर्ल्स वर टॉकिंग अबाउट बट शी इमीडिएटली जंप्ड टू द कंक्लूजन दैट दे वर सेइंग समथिंग बैड अबाउट हर। नेक्स्ट है काइल, उसकी स्पेलिंग भी है, वो बोल रहा है ब्यूटीफुल स्पेलिंग नॉर्मल। हाउ वुड यू हेल्प काइल गेटिंग रॉन्ग इन द स्पेलिंग बी एंड फ्लाई क्राइंग इन क्लास मैकेंजी, पूल डिडंट आस्क मी टू प्ले विद देम। हाउ वुड यू हेल्प मैकेंजी जॉइन अ ग्रुप ऑफ किड्स प्लेइंग इन द पूल। ओके हाना, हाउ वुड यू हेल्प हाना गो प्ले बेसबॉल। हे हाना, हियर इज अ साइन अप शीट फॉर बेसबॉल स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, दिस ईयर आई विल बी इन द लीग विद ओल्डर किड्स, आई विल बी द वर्स्ट प्लेयर ऑन माय टीम, डोंट साइन मी अप, आई वोंट गो। ओके ये बोल इसके पापा बोल रहे हैं व्हाट डू यू मीन यू लव बेसबॉल, यू हैड सो मच फन लास्ट ईयर। जस्ट क्रिस्टोफर, हाउ वुड यू हेल्प क्रिस्टोफर कंप्रोमाइज विद फ्रेंड जोश, तो इसका प्लीज पढ़ लो गाइस। हाउ वुड यू हेल्प माला टू शेयर हर कुकीज नाइसली, ओके सो ये सिर्फ फ्रेंडशिप सिचुएशंस का था ये एक्चुअली, ये बहुत आपके लाइफ के लिए, फर्दर लाइफ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए फ्रेंडशिप इज़ वेरी लाइक यूजफुल, यू कैन से इट्स वेरी यूजफुल। सो ये डिविजन का है, मुझे नहीं पता आपने ये किया है या नहीं किया है, डिविजन वैसे बहुत ईजी है, आप भी कर लोगे ये। सो बहुत ईजी है ये, ओके फ्यूचर स्किल्स। ओके अभी गाइस ही देखेंगे हेल्थ एंड डिजीज, हमें स्टमक एक्स होते हैं, हेड एक्स, फ्लू, फीवर, सब कंडीशन ऑफ हेल्थ। तो ये अगर क्या होता है डिजीज, मतलब क्या होता है डिजीज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डिजनीज, मतलब हमारे बॉडी में कुछ ईज नहीं है बेसिकली। सो ये देख लो पढ़ लो गाइस, टाइप्स ऑफ डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जर्म्स, germs are spread by okay guys, अभी का session बहुत लंबा हो चुका है, तो आई कैन टॉक, आपने काश ये PPT देख लिया हो, अभी का सेशन इज़ वेरी लाइक वेरी ह्यूज, सो वी विल डिस्कस ऑल दिस इन द नेक्स्ट। हे दिस मी गाइस, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मैं हूँ, सो प्लीज आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।